भारतीय जनता पार्टी आजकल बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बहुत आंदोलित है, बहुत घबराई है, बहुत झुंझलाई है, बहुत तिलमिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आजकल वो अपना सारा आवेश और गुस्सा, अपनी सारी उत्तेजना आजकल वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर उंडेल रहे हैं। गुजरात के चुनाव के दूसरे चरण के मत का मतदान कल हो जाएगा। गुजरात के चुनाव में जिस प्रकार से 6.5 करोड़ गुजरात के भाइयों और बहनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को अपना अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है। एक तरफ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, और दूसरी तरफ अपने सब सार्वजनिक भाषणों का 90% समय कांग्रेस की आलोचना करने पर लगाते हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के भाषणों से विकास गुम हो गया? क्या कारण है कि व्यक्तिगत छींटाकशी ही मोदी जी के भाषणों का केंद्र बिंदु बन गया? क्या कारण है कि बौखलाहट और झुंझलाहट और छटपटाहट ये ही अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है? भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनाव में मुद्दों की बात बिल्कुल दरकिनार कर डाली। मोदी जी ने यह जवाब नहीं दिया कि पाटीदार समाज पर 20,000 झूठे मुकदमे बना, अबोध बच्चों की छातियों पर गुजरात पुलिस ने गोलियां क्यों चलाई, सबसे मेहनतकश किसान पाटीदार समाज न्याय की गुहार जब मांगने भाजपा के दरवाजे गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लाठियां, डंडे और गोलियां क्यों वापस दी? क्यों सरकार ने जनता की आवाज को सुनने की अपनी जवाबदेही नहीं निभाई? मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, अलंग, पूरे गुजरात की अर्थव्यवस्था को जो उन्होंने तहस नहस किया उसके लिए कौन दोषी है? मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि 7 लाख पावर लूम चलाने वाले सूरत के व्यापारियों को, कपड़ा व्यापारियों को जो 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ, डायमंड व्यापारी को जो 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, अहमदाबाद के व्यापारी को जो लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मोदी जी ये बताना भी भूल गए और भाजपा इसको भी दरकिनार कर गई कि 15 लाख गुजरात के नौजवान जो शोषित हो रहे हैं 5,500 से 10,000 रुपए की फिक्स्ड पे आउटसोर्सिंग के तहत, उनके लिए क्या हल वो निकालेंगे? मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि मूंगफली पैदा करने वाले किसान को 800 रुपए से 1,500 रुपया क्यों मिल रहा है जबकि मिलना चाहिए 4,100 और 4,200 रुपया। ये भी नहीं बताया कि गुजरात के कपास पैदा करने वाले किसान को 3,860 रुपए की बजाय 2,000 और 2,500 रुपए में क्यों लूटा जा रहा है। ये भी नहीं बता पाए कि वो शहर हो या गांव, 22 साल का जो कुशासन है उसका हिसाब कौन देगा? और उनका टारगेट केवल मात्र एक रहा, किस प्रकार से ज्यादा अपशब्द और ज्यादा से ज्यादा अपमानजनक भाषा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। यहां तक की हद तो तब हो गई कि जब पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र भी नहीं लेकर आ पाई, और आखिर में चुनाव से एक दिन पहले, वो भी शाम को 4 बजे, 8 दिसंबर को जब वो घोषणा पत्र लाए तो उसमें ना कोई नई स्कीम, ना कोई रास्ता, ना कोई दृष्टि दे पाए।
इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने बड़े संयम और सरलता से गुजरात की जनता के आशीर्वाद से एक सकारात्मक विजन गुजरात के नवनिर्माण का, एक खुशहाल गुजरात के निर्माण का दिया। आज एक सम्मानित, आज जब श्री राहुल गांधी का इंटरव्यू गुजरात के कुछ चैनल्स ने लिया जो स्थानीय चैनल्स हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यकायक बहुत आंदोलित हो गई, बड़े आवेश में है, बड़ी गुस्से में है। प्रधानमंत्री कार्यालय से और स्वयं मुख्यमंत्री टेलीविजन चैनल्स को और उनके एडिटर्स को फोन करके धमकी दे रहे हैं कि वो उनको जेल भेज देंगे। क्या भाजपा अब इस हद तक गिर गई है कि वो प्रजातंत्र में जो पत्रकारों की आवाज है उनको केवल इसलिए जेल भेज दिया जाएगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी से बातचीत कर ली और वो इंटरव्यू दिखा दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति की मापदंडों को यहां तक गिरा देगी कि मुख्यमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री का कार्यालय और केंद्रीय मंत्री टेलीविजन पर जाकर प्रेस के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और ये कहेंगे कि चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है? हम नहीं मानते कि चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है, पर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है। वो चुनाव आयोग से मुकदमा दर्ज करवा अब पत्रकार साथियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। कसूर क्या? कसूर ये कि उन्होंने राहुल गांधी जी से वार्तालाप का, इंटरव्यू चलाने का साहस दिखा दिया। क्या मोदी जी फिर देश को यह भी बताएंगे, अगर चुनाव की वोट पड़ने से एक दिन पहले इंटरव्यू चलाना गैरकानूनी और असंवैधानिक है, तो 2014 के चुनाव से ठीक एक दिन पहले आदरणीय मोदी जी ने अपने एक भक्त चैनल को इंटरव्यू दे, उसका प्रचार और प्रसार फिर पूरे देश में क्यों करवाया था? तो क्या उन्होंने भी कोई संगीन अपराध किया था? यह भी आदरणीय मोदी जी और भाजपा बता दें कि अगर चुनाव प्रचार से एक दिन पहले इंटरव्यू देना गलत है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण का चुनाव जो 9 दिसंबर को हुआ, उससे ठीक पहले, एक दिन पहले 8 दिसंबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। मुझसे पत्रकार साथियों ने पूछा कि घोषणा पत्र जारी किया है, ये क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? मैंने कहा नहीं, घोषणा पत्र है, उसमें है कुछ नहीं, कागज का पुलिंदा है, जारी करने दीजिए। तो क्या वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार भी हैं और भाजपा के जो अध्यक्ष भी हैं गुजरात प्रदेश के, वो और भाजपा का सब नेतृत्व जो गुजरात में बैठकर उस दिन 3 और 4 बजे पत्रकार गोष्ठी कर रहा था 8 दिसंबर को, तो क्या वो चुनाव आचार संहिता का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे थे? 9 तारीख को जब चुनाव की वोट डल रही थी तो मोदी जी लाइव टेलीविजन पर थे, हर चैनल के ऊपर समेत गुजरात के सब चैनल्स पर, और उन्होंने उस दिन गुजरात में 4 जनसभाएं करी, लोनावाड़ा में, बोडेली में, आनंद में और महसाना में। तो क्या प्रधानमंत्री जी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे? वो तो हर चुनाव में, जब कई चरणों का चुनाव होता है, अगर इस भाग में वोट पड़ रही होती है तो दूसरे भाग में जाकर जनसभा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं, जबरन भी कई बार, के टेलीविजन चैनल और पत्रकार साथी उसको दिखाएं। तो क्या ये गैरकानूनी काम करते हैं वो हर बार? और आज भी बहुत सारी स्टार एडवर्टाइजमेंट छपी हैं, कल भी बहुत सारे स्टार एडवर्टाइजमेंट गुजरात में छपेंगे, तो क्या ये सब गैरकानूनी हैं? तो क्या आप सारे पत्रकारों को और समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनल्स को आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके एक केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अभी अभी पीयूष गोयल जी ने पत्रकार गोष्ठी भाजपा कार्यालय से की है, तो क्या ये सब असंवैधानिक है और वो इन सबको जेल भेजने वाले हैं? सच्चाई ये है कि हार सामने देख आदरणीय मोदी जी बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गुजरात के चुनाव में गुजरात के जनता की नवसर्जन यानी बदलाव की बयार को देख घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, और घबराकर और बौखलाकर अब वो टेलीविजन चैनल्स को, पत्रकारों को जेल की सलाखों में पीछे भेजने की धमकियां दे रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से
इस तानाशाही रवैये की, इस गैर संवैधानिक रवैये की, इस पुलिस का डर दिखाकर जेल की सलाखों में भेजने की धमकी देने के रवैये की, भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये की भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है, निर्णय वो करेगी। ये सच है कि कई बार अमित शाह जी पूरे देश की तरफ से निर्णय करने का दम भरते हैं, पर वो उनकी अहंकार की भाषा हो सकती है, सच्चाई नहीं। पत्रकार मित्र हों, टेलीविजन के मित्र हों, प्रिंट के मित्र हों, ऑनलाइन समाचारों के मित्र हों, इन सब का अपना अपना विशेषाधिकार है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को हम इस बात से चेताते भी हैं, आगाह भी करते हैं, आप इस प्रकार का अंकुश इस देश पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इस देश में तानाशाही नहीं, प्रजाशाही है, प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र पर इस प्रकार के अंकुश लगाने, धमकियां देने, पत्रकारों को जेल भेजने केवल इसलिए कि उन्होंने राहुल जी से बातचीत करने का साहस दिखाया, इसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग इस प्रकार की बचकानी धमकियों का संज्ञान लेगा और उल्टा भारतीय जनता पार्टी को हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि उनको नोटिस दे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो चुनाव आयोग का नाम लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्रकार समूहों को धमकी दे रहे हैं। कोई आप सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कई टेलीविजन चैनल्स के एडिटर्स को उन्होंने फोन किया और कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री तो पत्रकार गोष्ठी करके खुल्लम खुल्ला वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं, अब चुनाव आयोग का रोल भी पीयूष गोयल जी ने ले लिया, वो मुख्य चुनाव अधिकारी बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी अब मुख्य चुनाव अधिकारी भी खुद ही बन गई है। वो कहते हैं चुनाव आयोग तुम्हें नोटिस इश्यू करेगा। हम चुनाव आयोग से उल्टा मांग करते हैं, चुनाव आयोग के नाम को बदनाम करने की साजिश में, चुनाव आयोग के नाम लेकर लोगों को डराने की साजिश में, चुनाव आयोग का नाम लेकर पत्रकारों को दबाने की साजिश में और धमकियां देने की साजिश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर ये नोटिस जारी करना चाहिए। आपने अगर पत्रकार गोष्ठी सुनी तो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित केंद्रीय मंत्री ने कहा है, माफ कीजिए, हमारा काम है पत्रकार साथी चाहे हमारे खिलाफ लिखें, चाहे हमारे हक में लिखें, चाहे सकारात्मक लिखें, चाहे आलोचनात्मक लिखें, हमारा जिम्मेवारी और धर्म देह कर्तव्य है आपके उस अधिकार की रक्षा करना, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी कहते रहे हैं। हम उस रक्षा के लिए क्वच बनकर आपके आगे खड़े होंगे। आगे का कार्य करना किसी ना किसी चैनल समूह या पत्रकार का है, हम उनको इस बारे में कोई राय नहीं देंगे। धन्यवाद जी। आदरणीय साथी, एक मेरी जबान थोड़ी सी हिंदी में मुझे कंफर्टेबल है और ये राष्ट्रीय भाषा, मैं कोशिश करूंगा फिर उसे कन्वर्ट करने की। आदरणीय साथी, एक केंद्रीय मंत्री ने आज भगवान राम की संज्ञा भी अंग्रेजी में देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के मन से। हम उनको अभिनंदन देते हैं कि अब भगवान राम के अभिनंदन की भाषा के लिए भी उनको हिंदी में शब्द नहीं मिल रहे भाजपा के राष्ट्रीय मंच से। और मैं उन्हें राय भी दूंगा, उनसे उम्र में छोटा हूं, वो बड़े भाई हैं फिर भी, और भाजपा के नेताओं को भी कहूंगा, भगवान राम रोम रोम में है। राम तो अनंत हैं, राम तो अखंड हैं, राम तो पूरे ब्रह्मांड में हैं, राम तो कण कण में हैं। राम की तलाश आप राम की मूर्ति में कर सकते हैं क्योंकि वो आस्था का विषय है, परंतु अच्छा होता
भारतीय जनता पार्टी गुजरात के दिलों में छुपे राम, गुजरात की जनता की आकांक्षाओं के राम, उन गरीब पाटीदारों में जिन 14 नौजवानों को मौत की घाट उतार दिया उनके अंदर छुपे राम, उन 20,000 पाटीदारों में जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए उनके अंदर छुपे राम, 29 लाख बेरोजगार नौजवानों में जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके अंदर बैठे राम, उस गरीब किसान में जो पेट और पीठ एक करके मेहनत करता है और अपनी फसल के लिए दर दर की ठोकरें भाजपा शासन में खाता है, उस किसान के हल्की मूठ में छुपे राम, उस गरीब दलित जिसकी चमड़ी आप ऊना में उधेड़ते हैं उस चमड़ी की व्यथा में छुपे राम, उस पिछड़े वर्ग के साथी जिनके साथ आप अत्याचार और भेदभाव करते हैं उनके अंदर छुपे राम, उन 15 लाख नौजवान जिनको आप 5500 रुपए तनख्वाह देकर 15 साल से लूटते हैं उनके अंदर छुपे राम को भी थोड़ा सा अपने मन के पाठ खोलकर देख लेते तो आपको नए मुद्दे घड़ने ना पड़ते। सच्चाई ये है आदरणीय साथी कि भाजपा केवल भटका रही है, मुद्दों पर नहीं आ रही। गुजरात का चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बारे में नहीं है, गुजरात का चुनाव 6.5 करोड़ गुजरातियों बनाम भाजपा के बारे है, और 22 साल के कुशासन को आप भगवान राम के नाम का आवरण ओढ़कर नहीं छुपा सकते, क्योंकि राम तो जन जन में है, कण कण में है, और उन राम की भक्ति अगर आपको करनी है तो केवल राष्ट्रपिता, हालांकि आजकल देश का बाप कोई और बन गया है भाजपा के मुताबिक, परंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर 2 लाइन वो अपने मन में अनुसरण करें तो उतना ही बहुत था कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। धन्यवाद।